भाईचारे और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई गई ईद दुमका। दुमका के जामा मस्जिद में भाईचारे और शांति के तरीके से मनाया गया ईद, लेकिन काला बिल्ला लगा के किया गया सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। देखिए पूरी खबर। भाईचारे का पर्व ईद आज शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। आज हमारे पास में अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद के सेक्रेटरी साहब काला बिल्ला नायब सदर साहब हैं। आप अपना नाम बताइए। नाम हो मोहम्मद शकील, मैं यहाँ के जामा मस्जिद का नायब सदर हूँ। ईद भाईचारे का पर्व आप लोगों ने मनाया, लेकिन ये काला बिल्ला समझ में नहीं आया। काला बिल्ला हम लोग लगाए हैं, कुछ लड़कों लोगों ने हम लोग के बारे में मस्जिद के बारे में हमेशा की लिखा पढ़ी करता है, इसीलिए हम लोग ने उसका विरोध किया कि हम लोग हमेशा विरोध में हम लोग जामा मस्जिद जब से ये हमको लगता है बुनियाद हुआ तब से विरोध में रहा है, तो विरोध का हम लोग किए हैं, इस बार हम लोग किए विरोध। और आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाम से कि मैंने हम लोग जो खुशहाली का त्यौहार है, 30 दिन जो हम लोग रोज़ा रखे, ये रहमत जो बारिश जो हो रहा है इसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज सनी हो गया, आज हम लोग त्यौहारों में आज बारिश हो गया है। इस लोग खुशी से आप लोग अपने अपने घर जाएं और अपने अपने लोग भाईचारा के लोग ईद मिलन अपना जैसे करते हैं हर साल, वैसे ईद मिलन ये सब करें लोग। पूरे दुमका वासियों को क्या संदेश? पूरा दुमका वासियों जैसे ईद हर साल हम लोग मनाते थे, पिछले साल तो हम लोग ईद सही से लॉकडाउन में नहीं मना पाए, लेकिन इस साल हम लोग को मौका मिला है खुशहाली मनाने का, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे की आना जाना करें। ये केवल एक सांकेतिक विरोध ही था, काला बिल्ला लगा के केवल सांकेतिक विरोध ही? ये सांकेतिक विरोध था हम लोग का। प्रशासन के खिलाफ? प्रशासन के खिलाफ भी है, लेकिन लड़के लोग जो इस तरह कर रहा है इसीलिए खिलाफ था। हम लोग नाराज़गी जता है, कोई ऐसा विरोध नहीं है, नाराज़गी हम लोग का था, नाराज़गी हम लोग जता है। चलिए, नाराज़गी हमारे साथ में था और ये सांकेतिक विरोध है। सभी लोग भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं और खुशहाली लाए। ईद जैसे पर्व में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आवाम को, पूरे दुमका वासी? ये पर्व जो है साल का एक 30 रोज़ा रखने के बाद ईद मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है और एक हिंदू मुसलमान मिल करके हम लोग एक गला मिलते हैं और पैगाम भेजते हैं, हम लोग एक साथ बैठ के सवैया खाते हैं पूरे झारखंड वासी को के हम लोग इखलाक मोहब्बत से जी रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया में ईद जो मनाई जाती है एक भाईचारा का पैगाम है, वो हिंदू मुसलमान मिल करके मनाते हैं। अगर हमारे यहाँ हिंदू भाई नहीं आएंगे तो हमारा पर्व अधूरा हो जाता है, या उसके घर में अगर कोई तरह त्यौहार है तो उनका घर पर्व अधूरा हो जाता है। ये तो मामूली है, ऐसी बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत वो सामाजिक तत्व जो है कहीं तरह का जो है बेबुनियाद कोई वजह नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, जीरो, और उसके बाद भी वो जामा मस्जिद के बारे में लिखा पढ़ी करता है, क्या करता है आप देखे होंगे, यहाँ पर हम लोग आए हैं मिलजुल करके, कहीं पर कोई तरह की बात नहीं देखे होंगे, यहाँ से लोग आए नमाज पढ़ के निकलेंगे, यही हिंदू भाई बाहर में रहेंगे उसे गला मिलते हुए घर पहुँचेंगे, सवैया खिलाएंगे उनको। अब वो बात ये रहा कि वो गलत क्या टीचर है, दुनिया में तो पैदा हुआ है सब, तो शैतान भी तो है, तो शैतान का ही काम है कि वो गलत गलत बात प्रशासन दिया, प्रशासन की गलती क्या है कि बिना हमसे पूछे हुआ 144 लगा देना, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा नाराज़गी में है, बाकी किसी से कोई तकलीफ तो हमको है नहीं। भाईचारा बरकरार है? भाईचारा बरकरार है, ये रहेगा जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। एक आज कितने लोग दावत में आ रहे हैं आपकी? हमारे यहाँ पूरे चैम्बर का आदमी आ रहे हैं, पूरे मोहल्ला के लोग आ रहे हैं। क्या क्या खिलाया जा रहा है? सेवैया दूध है, उसके बाद जो है कई तरह का सेवैया है, और उसके अलावा वो जो है तंदूरी है, वो मैंने आपका बकरखानी है, अब कितना आपको नाम बताएं। दुआ में आज क्या मांगे? आए दुआ मांगेंगे, इस दुनिया में जो है हर मोमिन मोमनात खुदा ताला सबको भला करे, सबको इखलाक मोहब्बत रखे, सब बीमारियों से भला हो,
सबके बाल बच्चा से खुश रहे, कोई बीमार है उसे सफा दे, किसकी शादी नहीं शादी हो जाए, और हम लोग एक मिलजुल कर जहाँ तक होता है कि हम लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हैं।